एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूँ मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की बाकी टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम अपने मर्चेंडाइज की बात कर लेते हैं। पिछले एक हफ्ते से मैं आपको अपनी टी शर्ट्स दिखा रहा हूँ जो कि नई आई हैं। बहुत से इच्छुक लोगों ने हमें मैसेज किया है और उनके ऑर्डर भी बुक हो चुके हैं, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी भी अपने ऑर्डर नहीं बुक करवाए हैं और वो करवाना चाहते हैं कि 31 जुलाई 2023 से पहले अपने ऑर्डर बुक करा लें, क्योंकि तभी इसका डिस्पैच अगले हफ्ते में सुनिश्चित किया जाएगा उन सभी को। जो लोग अपनी प्री बुकिंग नहीं कराएंगे, अगर वो खरीदना चाहेंगे तो वो 1-1.5 हफ्ते बाद ही अपनी प्री बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि पहला बैच निर्माण की तरफ जाने वाला है। साथ ही साथ चंद्रयान 3 टी शर्ट के लिए जो भी इच्छुक हैं वो हमें मैसेज करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही इतने लोग होंगे कि हम उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकेंगे, हम उनसे भी बुकिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। हर तरह की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर से आपको प्राप्त हो जाएगी, तो वहां पर जाइए। केवल 350 रुपये में टी शर्ट मिल रही है आपको। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो तेजस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, तेजस को अवंतीपुरा फॉरवर्ड बेस में, एयरफोर्स बेस में देखा गया। असल में वेस्टर्न कमांड के हेड के द्वारा जब अवंतीपुरा एयरफोर्स बेस का दौरा किया गया, तो ये माना जा रहा था उससे पहले जनरली कि सुलूर एयरफोर्स बेस में तेजस को डिप्लॉय किया गया, और वो सत्य भी है। पर इनके दौरे में तेजस का निरीक्षण भी किया गया जो कि अवंतीपुरा एयरफोर्स बेस पर डिप्लॉय था। इसका मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स को तेजस पे अब कॉन्फिडेंस है और फॉरवर्ड बेस में भी हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ये तेजस के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट तेजस के दिए जा रहे हैं, और इस तरह का विश्वास जताया जा रहा है कि फॉरवर्ड बेस में उसको डिप्लॉय किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ इसी प्रकार से टर्की के द्वारा भी अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा विश्वास जताया जा रहा है, जिसको कान प्रोजेक्ट कहा गया है, और इसको हम लोगों ने टैक्सिंग करते हुए भी देखा था, और ये माना जा रहा है कि इसको जल्द ही इसी साल उड़ाने का उनका विचार है और 2028 में इसका मास प्रोडक्शन करना वो स्टार्ट कर देंगे। बहुत तेज़ी से उनका जो शेड्यूल है वो चल रहा है, पर उसमें खास बात यह है कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है, टर्की का ऐसा कहना है। और टर्की के तो प्रेसिडेंट ने एक बार ऐसा भी कह दिया था कि ये मुस्लिम एयरक्राफ्ट है, इसलिए मुस्लिम देश इसमें आके जुड़े। पाकिस्तान की नज़र इस पर टिकी हुई है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट बनेगा हम इसको खरीद लेंगे, पर उससे पहले कुछ देश इसके इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें कि अजरबैजान अब निकलकर सामने आया है, जो कि टर्की के साथ इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो रशिया का MiG-29 इस्तेमाल करते हैं और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। पर ज़्यादा इंटरेस्टेड वो इसलिए होंगे क्योंकि अगर वो टर्की का साथ देंगे तो टर्की उनका साथ देगा, ड्रोन के मामले में उनका साथ दे भी रहा है आर्मेनिया के खिलाफ, तो इसीलिए भी अजरबैजान इस जो प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन कर रहा है। पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि वो कब ज्वाइन करेंगे। अरे भैया, तुम भी पंगे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है। चलो, अजरबैजान के पास दिमाग ना होगा, पैसा तो है, वो टर्की को पैसा दे देंगे, उनका काम हो जाएगा, पर पाकिस्तान के पास तो दोनों नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आतंकवादी एक्सपोर्ट करने के बाद टर्की उनको ये एयरक्राफ्ट दे दे, पर बनाने के लिए पाकिस्तान साथ तो कैसे दे सकता है जब उनके पास पैसे ही नहीं है। पर कान प्रोजेक्ट से टर्की और पाकिस्तान की जो आशाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उनके जो खेमे में ये कहा जा रहा है कि F-35 से भी बेहतर एयरक्राफ्ट को हम बना कर दिखाएंगे। अब देखते हैं कि बनता है कि नहीं, ज़्यादा विश्वास यही है कि नहीं बन सकता है, पर फिर भी टर्की ट्राई तो कर रहा है। बात करते हैं अपने आर्चर ड्रोन की, जिसको कि शुरुआत में रुस्तम 1 ड्रोन कहा जाता था, उसी पे बेस्ड, इसी आर्चर ड्रोन पे ही बेस्ड अपना रुस्तम 2 भी था, क्योंकि रुस्तम 1 को टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह बनाया गया था, पर इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का भी तो इस्तेमाल करना ही था, तो इसको आर्चर ड्रोन में डेवलप कर लिया गया। और रुस्तम 2 ड्रोन हम जानते ही हैं कि कितना बड़ा एक ड्रोन डेवलप हो चुका है, जिसका कि लगभग सारे ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, यूजर ट्रायल के लिए जाना है। तो ये जो आर्चर ड्रोन है ये एक आम ड्रोन है, और इसका भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड ट्रायल सारे कंप्लीट कर लिए गए हैं, अब इसका वेपन ट्रायल होने वाला है। वेपन ट्रायल का मतलब इस ड्रोन में वेपन लगाकर उसका जो फायरिंग है उसको करके देखा जाएगा, किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। खुशी की बात तो ये है कि हमारे आर्चर ड्रोन से हमारी तीनों सेनाओं को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, साथ ही साथ अपने रुस्तम 2 ड्रोन, जिसको कि तपस ड्रोन भी कहा जाता है, उससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। 97 तपस ड्रोन खरीदने का विचार हमारी तीनों सेनाओं के अंग के द्वारा किया गया है। अब देखते ये हैं कि यूजर ट्रायल कब कंप्लीट होता है और कब इसको खरीदा जाता है। हम लोग कई बार ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसी थी, वो गवर्नमेंट वैसी थी, और ये जो अभी की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है। मैं भी कहता हूँ कि हथियारों के मामले में बहुत अच्छी है, और बहुत से हमें ग्रोथ उसमें देखने को मिला है, एक्सपोर्ट में भी देखने को मिला, और नए हथियार भी खरीदे गए। पर इस गवर्नमेंट को भी लगभग 9 साल हो चुके हैं, और 9 साल में एक डेवलप हुआ, पहले से ही रुस्तम 2 ड्रोन तो डेवलप हो चुका था, तो इन क्या 9 सालों में ये इंडक्शन तक
या इंडक्ट होना, ये क्या सुनिश्चित नहीं हो सकता था? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा केवल फंडिंग ही की जा सकती है, हर चीजों की व्यवस्था ही की जा सकती है, अल्टीमेटली हम लोगों को ही काम करना पड़ेगा और तेजी से करना पड़ेगा, जिसके लिए प्राइवेटाइजेशन की सख्त आवश्यकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट को पैसे लगाने चाहिए, ये मेरा सजेशन है। जब हम लोग भारतीय ड्रोन की बात कर रहे हैं तो टर्की के ड्रोन की भी बात हम लोग कर लेते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा ड्रोन निर्यातक देश बन चुका है। इसके द्वारा 30 देशों को ड्रोन बेचे जाते हैं, इसमें बैरक्टर TB2 ड्रोन सर्वोपरि है। इनका एक नया ड्रोन निकलकर सामने आया है जो कि काफी हैवी वेट है और इसके द्वारा 1500 किलो का हैवी पेलोड ले जाया जा सकता है। इनका जो एकिंजी ड्रोन ये है, इसको अब सऊदी अरेबिया के द्वारा खरीदा जा रहा है, इससे पहले कुवैत के द्वारा भी इसको खरीदा गया है और कतर के द्वारा भी खरीदा गया है, और सऊदी अरेबिया इस रीजन में तीसरा देश होने वाला है और यूजर भी इतना बड़ा होने वाला है कि टर्की के इतिहास में डिफेंस प्रोक्योरमेंट में अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो $3 बिलियन का ये जो एक्सपोर्ट है, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सऊदी अरेबिया ने उनको दिया है। तो आप समझिए कि टर्की का जो ड्रोन मार्केट है या जो टर्की का जो ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अंत में बात कर लेते हैं हम लोग अपने SSLV की, जिसको कि पूरी तरह से प्राइवेट किया जाना है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका निर्माण प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि 20 कंपनियों की बिडिंग पे विचार चल रहा है, 20 कंपनियों ने ऑलरेडी बिडिंग कर दी है, 11 जुलाई को इसकी अंतिम डेट थी, और अब इन कंपनीज में, इन कंसोर्टियम्स में से चुना जाएगा कि किसके द्वारा इसका निर्माण करना है। असल में इस रॉकेट का निर्माण ऐसे कंसोर्टियम के द्वारा किया जा सकता है, ये शर्त रखी गई थी, जिनका कि 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। बहरहाल जो भी है, अच्छी कंपनियां ही निकलकर सामने आएंगी और अच्छा ही होगा कि SSLV को किसी ऐसी इंडस्ट्री को दे दिया जाए ताकि जल्द से जल्द वो इसका प्रोडक्शन कर सकें और सस्ते लॉन्च जल्द से जल्द किए जा सके। इसरो केवल चाहता है कि वो एक टेक्नोलॉजी बनाने वाली संस्था बने, ना कि किसी को प्रोड्यूस करने वाली, किसी का प्रोडक्शन करने वाली, और ये सही भी है। आप क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसके ऊपर बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।